क्या नियत खराब थी? अरे पहले तो वॉशरूम जाने के चक्कर में बच गई, लेकिन अब कौन बचाएगा तुझे? हाँ सबके सब गए अंदर, अब मैं भी चली क्योंकि मेरा काल विजय रत्न आ रहा है। मिस्टर शैगल आप आ गए। हाँ मैं आ गया, और वो भी आ जाएगा जो तुम चाहती थी। तुम्हें रत्न चाहिए था ना? नहीं रत्न मुझे तो नहीं चाहिए था, पर इस वक्त हालात ही कुछ ऐसे है कि रत्न तो लाना ही पड़ेगा ना, वरना मैं वो लाने कभी नहीं कहती। I'm really sorry, मिस्टर शैगल, वो नहीं मिस्टर शैगल, नहीं प्लीज इसकी बातों में मत आइए, प्लीज मत आइए। ये क्या, पहले तो यहाँ छिपकली के डसने का निशान नहीं था, पर अब है, लेकिन फीका पड़ चुका है। तो मैं रत्न लेकर आता। नहीं प्लीज इसकी बात मैं बताइए, प्लीज मत जाइए। जो भी है सब बैरूपी है, और सब रत्न लेने के लिए आए, आप इनकी बातों पे मत आइए, रत्न लेने मत जाइए। नहीं मिस्टर शैगल प्लीज मत जाइए। रक्षित, दिव्या, रक्षित मैं काल विजय रत्न ले आई। क्या आ गया मेरा रत्न, मेरा काल विजय रत्न आ गया। अरे इस चूजा से तो मैं यूं ले लूंगी, लेकिन इस बड़े काल इस रक्षित को कैसे मैं रास्ते से हटाऊं? ओह गॉड, इसे पता चल गया है कि काल विजय रत्न आ गया, अब ये किसी भी तरह से उसे हासिल करने की कोशिश करेगी। रक्षित, पिशाचिनी दिव्या के पीछे ही है, रत्न छीन लेगी, क्या करूं? तुम भी पीछे आ जाओ, हट जाओ दृष्टि, पीछे आ जाओ। पिशाचिनी पीछे हट जा। दिव्या, मेरी बात सुनो। दिव्या तुम मेरी बात सुन, चलिए रख मुझे दे, ला मुझे दे। सॉरी दिव्या, तुम्हें लगी तो नहीं? आई एम सॉरी, मैंने पिशाचिनी पर अटैक किया था, तुम पर अटैक नहीं किया था। चलो दिव्या उठो। अनजान, अब सच में तेरा अनजान होने का वक्त आ गया है, जाने का वक्त आ गया है, चल जा अपनी अंतिम यात्रा पे जा। साचिनी, रक्षित को छोड़ दे, कहाँ लेके जा रही है? रक्षित
तो क्या करेगी चूहिया? अब तो सबके सब कांच के पुतले बन चुके हैं, सबके सब नकली। अब तो अकेली क्या करेगी? ये कमरा इतना छोटा कैसे हो गया? ये कैसे हो रहा है? रक्षक, ये तूने क्या किया? अब तक तो कैसे नहीं पहचान पाया तू? वो हम शक्ल, वो कांच के लोगों की बातों पर भरोसा कैसे कर लिया तूने? ये दृष्टि को देख, हम सबको बचाते बचाते इसकी ये हालत हो गई। तू तो इसे अच्छी तरह से जानता है ना? फिर तूने ये कैसे भरोसा कर लिया कि इसने तुझे काल विजय रत्न लाने के लिए कहा था? वो कितना मायने रखता है वो रत्न तू जानता है ना? ये क्या किया तूने? तूने काल विजय रत्न लाकर सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। मॉम, कुछ खत्म नहीं हुआ है, सब ठीक है। मैंने उनको काल विजय रत्न दिया ही नहीं था मॉम। हाँ, काल विजय रत्न नहीं दिया मैंने। मॉम, मुझे पता चल गया था कि वो सब लोग नकली हैं। कुछ नहीं हुआ। मिसेस शेरगिल, उठो। हाँ मिसेस शेरगिल, तुम ठीक हो? ये रत्न आपने ये रत्न उनको नहीं दिया? आपको सब पता चल गया? हाँ, मुझे सब पता चल गया था। शक तो मुझे तभी हो गया था जब मैंने देखा तुम्हारी समशकल के कंधे पे छिपकली के डसने का निशान नहीं था। फिर मैंने वही निशान शीशे पर देखा और फिर वही निशान तुम्हारी समशकल के कंधे पे। ऐसे निशान का बार बार इसके कंधे पे आना जाना, मैं तो तभी समझ गया था कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कहीं कुछ तो है जो सही नहीं है। दिव्या जब ये रत्न को लेकर आई तब साचनी भी वही थी। साचनी ने दिव्या के ऊपर हमला कर दिया और मैंने जानबूझकर दिव्या पर हमला किया ताकि साचनी को पता ना चले, और उसी बीच में मैंने ये रत्न दिव्या से ले लिया। मुझे माफ कर दो, मुझे दिव्या को बताने का मौका ही नहीं मिला कि उसके आसपास जो भी लोग हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, वो सब नकली हैं, वो उनके हमशक्ल हैं। और वैसे भी मैं उसे कोई बात बताता तो उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं होता। तुम्हारी बहन है, तुम्हारी हर बात मान लेगी। तो तुम एक काम करो, ये काल विजय रत्न लेकर बाहर जाओ। हाँ, दिव्या की जान खतरे में है, तुम्हारी जरूरत है दिव्या को। और इस रत्न के जरिए एक ही इंसान बाहर निकल सकता है। तुम जाओ। तुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। जाओ, सबको संभाल लूंगा मैं। तुम जाओ, सब सही होगा। जाओ। शिवाय। शिखर, सब लोग। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपना और सबका ख्याल रखिएगा। उठ गई, तुझे होश आ गया, ठीक है ना? हाँ, रत्न कहाँ है दीवी? वो
अरे पता पता, जल्दी पता ना रत्ना कहाँ है। रत्ना रत्ना, जब पिशाच ने रत्ना लेने आई थी तब मेरे हाथ में था, अभी पता नहीं मेरे हाथ में, कहीं उस पिशाच ने ले तो नहीं लिया। रत्ना कहाँ है? रत्न कहाँ गया, मतलब क्या होता है? तेरे हाथ में था, तेरे हाथ से गायब कैसे हो सकता है रत्न? तू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है दिव्या? I'm sorry, मैं बेहोश थी ना, मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूं। रत्ना कहीं पे सासनी तो नहीं ले लिया ना? Oh my god, अब मैं क्या करूं? I'm sorry, मत बोल, तेरी गलती नहीं है। हम कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे रत्न ढूंढने के लिए। हाँ, टेंशन मत ले, हम ढूंढ लेंगे रत्न। उस पे सासनी ने तो नहीं ले लिया ना, अब मैं कैसे ढूंढूं? अरे ओ बुद्धि भ्रष्ट कहाँ चरानी, जब रत्न है नहीं तो कहाँ से मिलेगा? लेकिन अगर रत्न इस चूहिया के पास नहीं है तो मतलब रक्षित के पास है, पर कैसे? अरे रत्न रक्षित के पास कैसे गया, उसके पास कैसे गया? अच्छा तो उस चालाक बंदर ने इस चूहिया से रत्न तभी लिया मेरी आंखों के सामने, मुझे पता ना चले ऐसा धूल झोंका उसने मेरी आंखों में। कोई नहीं बच्चों, अभी सबको बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत कुछ। दिवी ध्यान लगा, दिमाग से सोच, दिमाग पे थोड़ा जोर डाल और याद कर कहाँ रखा है रत्न, किसे दिया है। कोशिश कर, देख कोशिश करेगी तो कुछ तो याद आएगा ना। दी मैं वही तो कोशिश कर रही हूँ ना, मैं कब से सोचने की कोशिश कर रही हूँ, याद करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे अभी भी लगता है सचिनी ने रत्न ले लिया है। दिवी जब तक मैं जिंदा हूँ पिशाचिनी इस रत्न को हाथ भी नहीं लगा सकती। ये तो हूबहू मेरे जैसी दिखती है, कौन है ये सब, क्या हो रहा है? दी बच के रहना, ये जरूर उस पिशाचनी का माया जाल है, अपनी माया जाल से आपकी डुप्लीकेट बना के भेजी है। दिवी दिवी सुन, मेरी बात का यकीन कर, तेरी दी वो नहीं, तेरी दी मैं हूँ, ये मेरी हमशक्ल है, कांच से बनी है, कांच रानी है ये। क्या नहीं दीदी, झूठी है ये, झूठ बोल रही है, इसकी बातों पे विश्वास मत कर, मैं तेरी दी हूँ। दीदी नहीं, दीदी मेरी बात का विश्वास कर, तेरी दी मैं हूँ। नहीं दीदी मैं तेरी दी हूँ, नहीं तेरी दी मैं हूँ, नहीं ये झूठ बोल रही है, मैं तेरी दी हूँ। आप सब बताइए ना, हम दोनों में से असली दृष्टि कौन है? तुम हमारी असली दृष्टि हो। देखा, नहीं नहीं दीदी, ये असली नहीं है, ये हमारी मोम नहीं है, ये नकली है, ये कांच से बनी है। कांच से बनी है? ये कांच से बनी है? हाँ रक्षित साहब, आप तो मुझे पहचानते हैं ना, बताइए आपकी दृष्टि कौन है? ऑफ कोर्स तुम ही हो असली मिसेस शेरगिल। नहीं देवी, ये तो देखना देवी, अब ये कहेगी कि ये भी नकली है, बोल दे, कह दे कि ये नकली है, और आप सबको ये बेवकूफ बना रही है, धोखा दे रही है। देवी इसकी बातों में मत आ, ये नकली है, मैं असली हूं, मैं तेरी दी हूं। देवी देवी तू मेरी बहन है, मेरा खून, मेरी पहचान, पहले तू मेरी आहट से मुझे पहचान लेती थी, अब तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है कि तेरी दी कौन है? दीवी क्या मैंने आज तक तुझसे कालविजय रत्न मांगा है? नहीं ना, इसने कई बार तुझे कालविजय रत्न लाने के लिए कहा है, तुझे लगता है तेरी दी कभी भी कालविजय रत्न लाने के लिए कहेगी तुझे? दृष्टि ने रत्न अपने लिए नहीं मंगवाया था, बल्कि परिवार की सिक्योरिटी के लिए मंगवाया था। हाँ दिव्या, दृष्टि ने अपने लिए नहीं परिवार के लिए रत्न लाने को कहा। दीवी झूठ बोल रही है सब, इनकी बातों में मत आ, तुझे अपने जान में फंसा रहे हैं लोग। ये जो आई है ये दृष्टि नकली है। अगर तुम असली हो तो अब तक कहाँ थी तुम? ये कहीं नहीं थी, अभी अभी आई है दृष्टि का रूप लेकर वो रत्न ले जाने के लिए। नहीं, हाँ ये दृष्टि फेक है। मैं फेक नहीं हूँ दिवी, ये सब नकली है, जिस परिवार के साथ तू खड़ी है वो हमारा परिवार नहीं है। दिवी ये सब कांच से बने, ये नकली है, मेरी बात मान, मेरी बातों पे विश्वास कर दिवी। नहीं दिव्या, ये दृष्टि की हम शक्ल है, छोड़ना मत इसे, इसे मार दो। दिवी अगर तुझे अभी भी मुझ पर शक है तो पूछ इसे, ये कह रही है कि ये तेरी दी है ना, तो ये अब तक कहाँ थी? पूछ। हाथ दो अपना, जब हम दोनों के हाथ टच करेंगे तब रहस्य तारा नहीं चमकेगा, क्योंकि ये नकली है। बीच में मत बोलो, हाथ लाओ, हाथ दो दी। Mm-hmm.
करूं? देना। देख लिया, मैंने कहा था ना दीदी, ये तेरा हाथ पकड़ेगी तो ये रहस्य तारा नहीं चमकी। ये कैसे हो गया? मेरे पास माया भी रत्न है, इसकी माया से तारा तो क्या आसमान भी चमका दूं। देखा, यही मेरी दृष्टि दी है। देवी, ये नहीं हो सकता। देवी, देवी मेरी बात को यकीन कर, मुझ पे विश्वास रख। मुझे नहीं पता इसके छूने से रास्ते तारा कैसे चमका। देवी तेरी दी मैं हो। नकली हो, नकली हो तुम। हाँ, तुम धोखा दे रही हो सबको, झूठ बोल रही हो, तुम नकली हो। मार दो इसे, इसे मार दो, इससे पहले कि ये हम सबको मार दे, इसे मार दो। मार दो इसे। इसे मारने की जरूरत नहीं है। दीदी तू ही सोच, अगर ये तेरा परिवार होता तो क्या ही तुझे किसी को मारने के लिए कहते है? हाँ, ये अपना परिवार नहीं है दीदी, ये सब नकली है। जब तुझ जैसे दुश्मन घर में घुस जाते हैं तो अच्छे खासे परिवार को अपने हाथ खून से रंगने पड़ते। तुझे पिशाचनी ने भेजा है ना? तूने ही चुराया ना रत्न? पता रत्न का है? बता। दूर रहना, मेरे पास नहीं आना तुम लोग में से कोई भी। नहीं, मेरे पास मत आना। देखो, मेरे पास मत आना। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? देखा, देखा, कांच का पुतला टूट गया। कांच से बना था, ये नकली था। मैंने तुझे बोला ना, ये शिखा नहीं है। पी। देखा देवी, यही असली शिखा है। ये जो था वो कांच का बना था। इधर हमारा पूरा परिवार, ये जितने भी खड़े हैं, ये सब के सब नकली कांच से बने हैं देवी। और इसके इसने और पिशाची ने मिलके मुझे आज सुबह ही उस कांच के कमरे में कैद कर दिया था दीदी। ये हमारा असली परिवार नहीं है, हमारा असली परिवार तो उस कांच के कमरे में कैद है दीदी। देख, नकली को मारेंगे तो असली सामने आ जाएगा। मैं तुझे इन सब का असली चेहरा दिखा दूँ, तू बस देख। मैंने जो भविष्य देखा था कि मैं पूरे परिवार को मार रही, मतलब मैं नकली परिवार को मार रही थी। नहीं! मेरी बहन को छूने की कोशिश भी मत करना। दी, आप इन सबको मारो, देखना हमारी पूरी असली फैमिली वापस आ जाएगी। राशि, फेक सिमरन नहीं है, लगता है लोगों को टाइम नहीं मिला फेक सिमरन बनाने का। दी, उसकी आंखों में मत देखना, वो फेक है। दी, शुद्ध शाकाहारी भारतीय नारी। पति परमेश्वर कांच का ही सही, पर नहीं मार सकी ना तू? हाँ, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस दो मिनट में नरक का द्वार खुलने ही वाला है। ये नकली रक्कू मरे ना मरे, असली रक्कू नरक की आग में जल के जरूर मरेगा, समझी तू? पिशाची,
जादूगर भाग भाग रक्कू चल भाग भाग जल्दी भाग। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।